माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में नितिन सिंह है, ये पूरी चीज़ आपको बताएंगे। देखिए, आज जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिनको घर में जॉब, जो घर को चलाने के लिए भी जॉब चाहिए, अपना भी ये ख़राब नहीं लगे कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, जॉब तो चाहिए। हर कैंडिडेट आज एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, हर कैंडिडेट एक उद्यमी नहीं हो सकता, हर कैंडिडेट अपना बिजनेस नहीं चला सकता। मुझे खुशी है कि संस्कार सोसाइटी आज इनको पहली ही शायद इंटरव्यू, पहली जॉब में इनका जॉब लगा है। ये अपने अनुभव को शेयर करेंगे, संस्कार सोसाइटी से कैसे जुड़े, क्या देखा, कैसे वो महसूस हुआ, यहाँ आने के बाद क्या महसूस हुआ और आज ये क्या महसूस कर रहे हैं। नितिन, पूरी बात बताओ कि तुमने जो अनुभव किया होगा वही तुम नेचुरल बोलोगे, तो हमें कुछ बताना सिखाना नहीं है, वही सारी बातें बताओ। सर, मेरा नाम नितिन सिंह है और मैं शताब्दी नगर रतनपुर कॉलोनी का मैं निवासी हूँ। और सर, हम सर जब संस्कार सोसाइटी में सर जब हम आए क्या सर, इससे पहले हमें आपका फेसबुक पे पेज हमने उसको लाइक किया। लाइक करने के बाद हमें यूट्यूब का चैनल मिला, यूट्यूब पर गए। यूट्यूब पर जाने के बाद क्या हुआ कि मैंने आपके पूरे वीडियो देखे। पूरे वीडियो देखने के बाद मैंने उन वीडियो के माध्यम से नंबर निकाला मैम का। मैंने मैम को कॉल की। जब मैम को कॉल की तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि हम संस्कार सोसाइटी में हम आए। जब यहाँ पर हम आए तो हम 14 या 15 तारीख को आए और मेरी शायद आज 23 तारीख है, 27 तारीख से मेरी ज्वाइनिंग हो गई। पहला इंटरव्यू पहले ही राउंड में मैंने क्लियर कर लिया था। सुपरवाइजर पोस्ट पर सर हुआ है, अच्छी बात है। कपिला में हुआ, कपिला ग्रुप में जी। चलिए, एक अच्छे ग्रुप में ज्वाइनिंग आपको मिली, वो आपको पहले इंटरव्यू हुआ। तो आपको यहाँ पे जैसे आजकल जो बहुत सारी कंसल्टेंसी है, लोग डरे हुए होते हैं, सब ऐसे नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों को बताओ, कि लोगों को पता चले कि डिफरेंस क्या है। लोगों को लगता है ना कि जा रहे हैं तो कहीं गलत जगह नहीं जा रहे हो, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, जबकि लोग कोर्सेज में आजकल इतने सारे पैसे लगा के वहीं के वहीं, कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहा है, कोई हार्डवेयर नेटवर्किंग कर रहा है, और उन कोर्सेज का तो देख लो कोई फायदा नहीं हो रहा। तुम तो जॉब ड्राइव में सभी देख रहे हो, बीटेक वाले भी हैं, हार्डवेयर नेटवर्किंग के भी हैं, एमसीए वाले भी हैं, उनको जॉब कोर्स की वजह से नहीं मिल रही, एक्सपीरियंस और बात करने के तरीके से मिल रही है। तो लोगों को ये बताओ कि बेसिकली क्या तुमको डिफरेंस समझ में आता है, कि क्या अंतर कंसल्टेंसी में जैसे बड़ी हुई बात करते हैं, यहाँ में जो अंतर है वो डिफरेंस लोगों को बताओ। सर, डिफरेंस सबसे अच्छा डिफरेंस ये है कि आप मतलब कहाँ से हमको मतलब कहाँ पहुँचना है, तो मतलब यहाँ पे आने से हमको ये सीख मिली कि हमें कौन सी किस सब्जेक्ट की कैसे हमें तैयारी करनी है, मतलब किस आधार पे मेरा क्या कैसे प्रोफाइल बननी है, कैसे प्रोफाइल बननी है, किस तरीके का है और कहाँ पे हम जाना चाहते हैं। वेरी गुड, एटलीस्ट उनको मिला तो तुम्हें खुशी है। बिल्कुल सर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। माय डियर कैंडिडेट, आज जहाँ पे कैंडिडेट जॉब से परेशान है, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, मेरे पास में आज सुबह कैंडिडेट जब आए हैं तो उन्होंने 12-12, 14-14 साल के लोगों ने 12-12, 14 हज़ार में ही काम कर रहे हैं। वहाँ पे अगर पैकेजेस आउटस्टैंडिंग आ रहे हों, पहली जॉब में जो 12 साल के ऊपर की जॉब उनको मिल रहा हो, माय डियर कैंडिडेट, कंजूसी मत करिए अप्रिसिएशन में, सही न्यूज़ को, गुड न्यूज़ टुडे को जो है रोज बढ़ाना चालू करिए। आज की जो सबसे अच्छी खबर होती हैं, सारी निगेटिव इन्वायरमेंट, ये हुआ वो हुआ, गलत बात, गलत इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया में, गलत चीज़ों को देखना समझना, गलत रॉन्ग न्यूज़ पढ़ लेना, वो सबसे प्रभावित इतनी जल्दी होते हैं। अच्छी न्यूज़ इतनी बढ़ाइए कि लोगों की समस्याएं कम हो, दिक्कत कम हो। और जो कैंडिडेट समझना चाहते हैं, जिनके पास थोड़ी समझ है, तीसरी आँख है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक बार यहाँ पे आ करके विजिट करके फील करेंगे, इन्होंने देखिए क्या किया, फेसबुक पेज देखा, यूट्यूब देखा, लोग दुनिया भर की बातें करते होंगे, सब जगह से ही होता है, सब जगह होता है, हम लोगों के लिए भी 20% लोग करते ही होंगे, बेस्ट तो नहीं कर सकते सबको, 80% लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आए समझ के आप ये किया और उसके बाद में वो आगे बढ़े। मेरे ख्याल से ये भी इन्होंने उसी प्रोसेस को फॉलो किया। आज इनका अनुभव अलग है, अब इनका अनुभव जिनका अच्छा उनको नहीं देख करके अगर आप एक खराब अनुभव को अपने मन में रिकॉर्ड कर लेते हैं और खराब अनुभव को केवल रिकॉर्ड में रख करके आगे बढ़ते हैं, उसको एग्जाम्पल मान लेते हैं, मतलब आप अपने लिए खुद गलत कर रहे हैं, अच्छी खबर में और अच्छी एनर्जी में आप नहीं देख रहे, क्योंकि एक बात जरूर ध्यान रखिए, आपकी जो सोच होती है वो एक सोच वाइब्रेट करती है, प्रकृति में जाती है और वैसे ही लोग मिलना चालू करते हैं और ब्रह्मांड भी आपका सहयोग करता है ऐसे लोगों से मिलाने में, करने में, जॉब दिलाने में। तो आपकी सोच और एटीट्यूड अगर आपका अच्छा है, आप निगेटिव थॉट के साथ में, एक अप्रिहेंशन, अनजाने डर के साथ में, नहीं मेरे साथ खराब नहीं हो जाए, एक शुरुआती अगर अच्छी नहीं कर रहे हैं, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। अपनी मदद खुद करिए, जैसे उन्होंने अपनी मदद करी, जानकारी ली, समझ डेवलप करी, आए सेशन लिया, इंटरव्यू दिया, फाइनल हुआ, आप भी कर सकते हैं। केवल कुछ खराब एग्जाम्पल्स को लेकर के आप एक राय नहीं बना सकते। आइए, जिन लोगों के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं उनके थ्रू अपनी राय बनाएं, सही एनर्जी फ्लो करें, सही सोच लाएं,
प्रकृति में आपके लिए कुछ रेडी रखा होगा। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब ऑन ट्राइप मैसूर जॉब.com। थैंक यू।